मैम वैसे आपको कितने साल हो गए होंगे इंडस्ट्री में डांटते हुए? हाँ हो गए 30। अगर रिलीज से देखो तो जो जीता 1992 में रिलीज हुई थी तो हो गए 31 years, बट शुरू हुई थी 1990 में। तो मैम कहाँ से शुरू हुआ था? आपकी फैमिली फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे या? हाँ मेरी फैमिली तो मेरे डैडी फिल्म बनाते थे, बट वो वैसे अगर देखो आप बोलते हो कि आप इनसाइडर हो, बट वो इनसाइडर जो एकदम ही मतलब फ्लॉप बैकग्राउंड से आ रहा है, जो मेरे डैड की पिक्चर फ्लॉप हो गई थी और 13 साल उन्होंने काम नहीं किया, वो घर पे बैठे थे। ओके और तो वो इनसाइडर इज वर्स आई फील देन एन आउटसाइडर। आउटसाइडर को एक क्लीन स्लेट मिलता है, वो ट्रॉमा वो देख करके अच्छा ऐसा ऐसा हुआ है, उससे आदमी डर जाता है। तो हम वैसे वाले फैमिली से थे जिसको सक्सेस नहीं मिली कभी। बहुत पहले मिली थी डैड को बी ग्रेड मूवीज़ में, लेकिन जब से साजिद पैदा हुआ, मैं सब ब्लेम साजिद पे डाल दूँ, जब से साजिद पैदा हुआ तब से हमारा कुछ ख़राब वक्त शुरू हुआ था। मतलब वो पैदा हुआ और उसके एक साल बाद मेरे डैड की सबसे बड़ी जो उन्होंने पिक्चर बनाई थी वो फ्लॉप हो गई फ्राइडे को, और संडे को हम गरीब हो गए। लिटरली ऐसे कॉमेडी में बोलूं तो ऐसा था। बट उस टाइम पे ऐसा होता था कि ओवरनाइट क्योंकि अपने पैसे लगाते थे ना सब, तो पापा ने अपना घर भी गिरवी रख दिया। हमको बाद में मालूम पड़ा, हम तो छोटे थे। अरे बाप रे, मम्मी की वो ना फिल्मी सीन होता है, माँ की ज्वेलरी जा रही है पहले, फिर ऐसे बच्चा रो रहा है, ग्रामोफोन मेरा रिकॉर्ड प्लेयर होता था वो जा रहा है, फिर गाड़ियां बिक गई, फिर 3 फ्लैट थे छोटा 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 करके, छोटे वाले एक में आ गए बेच के। यार मतलब साजिश था। We love you. Yeah, we also love you, but it's because of you. मैम ये जो attitude है आप में, अभी देख हर्ष एक अपनी life को हम लोग tragedy बना सकते हैं, correct? और एक victim बन के बोल सकते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ ये, या तो उस पर हंस लो और उसको उससे कुछ सीखो और उसको अभी 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 हम कॉमेडी बनाते हैं जो क्या क्या होता था जब हम छोटे थे। एंड माई डैड यूज टू ड्रिंक फ्रॉम मॉर्निंग बिकॉज ही कुड नॉट हैंडल द agreed. इट्स हार्ड टू, इट्स वेरी डिफिकल्ट। जब बोलते हैं ना लोग कि आप इनसाइडर हो या वैसा, नहीं होता उनके लिए और डिफिकल्ट होता है क्योंकि उन्होंने सक्सेस देखी भी है। और अब स्ट्रगल करना, जो आदमी इम्पाला गाड़ी में जा रहा है वो बस के लाइन में नहीं खड़ा होके जा सकता, वो आपके स्ट्रगल पहले होनी चाहिए, लाइफ की एंड में नहीं होनी चाहिए। तो दैट ऑल वी हैव सीन, बट वो तो हम तभी तो 20 शाम के 7 बजते थे ना, तो हमारे मन में ऐसा एक ड्रेड होता था क्योंकि तब तक हाई हो जाते थे। हाँ फिर जो फिर चालू होता था झगड़ा कोई भी बात पे, दाल में नमक नहीं है जो भी, तो वी टू गेट ट्रॉमेटाइज। अभी हम हंसते हैं उस पर कि यार ये देखो पापा ऐसे करते थे और तू कैसे बिस्तर के नीचे छुप जाता था कभी कभी, जब डबल बैरल राइफल निकलती थी फिर कांच में जो होल होता था, फिर सालों तक वो होल था क्योंकि कांच रिपेयर करने के पैसे नहीं थे। एकदम प्रॉपर फिल्मी कहानी। हाँ फिल्मी, फिल्म लिखोगे तो बोलेगा ऐसा थोड़ी होता है ये तो। कि मैम शुरू से बॉम्बे में ही रहते हो? शुरू से जुहू में। तो आपने ये जब आपने ये चीज देखी उसके बाद आपने भी यही सोचा कि मैं इसी इंडस्ट्री में जाना चाहती हूं? देखो मैंने ऐसे सोचा तो नहीं था, लेकिन ना प्रॉब्लम था ना कि हम लोग सिर्फ फिल्मों की बातें करते थे, टीवी था नहीं, फोन था नहीं हमारे पास, और खाली मैं बुक्स पढ़ती थी या हम पिक्चर देखने जाते थे। पिक्चर देखना मतलब दैट इज द हाईलाइट ऑफ आ लाइफ, क्योंकि कुछ भी हो घर में कलेश चल रहा है, मम्मी पापा को छोड़ के चली गई, हम लोग इधर से उधर भटक रहे हैं, लेकिन वो जो पिक्चर हॉल में हम जाते थे और वो 3 घंटे, दैट वॉज अ हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ आर लाइफ। दैट इज वाई साजिद एंड मी बोथ लव मूवीज सो मच, बिकॉज दैट गेव अस लॉट ऑफ जॉय। उसके वजह से हमारा बचपन निकल गया और सब फ्रेंड्स भी ऐसे ही सब लुके घूम रहे थे वहाँ पर सब, मतलब वो जो पूरी हमारी सोसाइटी थी ना नेहरू नगर सोसाइटी, वहाँ पर सब बी ग्रेड डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स थे। अच्छा वो पूरी कॉलोनी थी? ऐसे कॉलोनी थी सब, मतलब पंजाबी कॉलोनी प्रॉपर। तो कोई ओपी रलन का ब्रदर है, उनकी फैमिली अभी तक मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, फिर कोई किसी के डैड ने कोई छोटी पिक्चर बनाई है वो फ्लॉप हो गई है, तो वैसे ही सब जय संतोषी माँ का प्रोड्यूसर वो वहाँ पर था, एक पिक्चर उसकी हिट हुई थी तो वो बड़े फिर बिल्डिंग में चला गया था, तो हम लोग बोलते थे अरे ये बड़ी बिल्डिंग में चला गया। हाँ तो वैसे ही टाइप के सब लोग थे, कोई स्ट्रगलिंग म्यूजिक डायरेक्टर, तो हम ग्रो अप ही हुए वही दुनिया में, तो वही दुनिया में, तो
फिर आगे कोई इंजीनियर डॉक्टर था नहीं वो बिल्डिंग में। तो मैम आपने डांस सीखा पहले या? नहीं, नहीं, मैं जब छोटी थी तो मैं बहुत डांस करती थी, तो जो भी बेचारे घर पे आते थे उनको मेरा डांस देखना पड़ता था। तो मैं 3-4 साल की थी तो क्यूट लगती थी, तो हेलेन का सब कैबरे टेबल पे खड़े होकर फिर वो ग्लास ऐसे लेके तोड़ देती थी, आई वॉज वेरी इरिटेटिंग। तो आई यूज़ टू डांस लाइक दैट। सो वन दारा सिंह ही यूज़ टू डू मूवीज विद माई डैड, तो वो आए थे एंड ही सेड अरे ही टोल्ड माई फादर कामरान योर डॉटर सो गुड शी उसको एक्टर फिल्मों में लाओगे, एंड माई डैड सेड नेवर, अभी तो छोटी है तो मैं डांस करने दे रहा हूँ, बाद में थोड़ी करेगी। तो आई हैड हर्ड दैट, और फिर तो बहते हमारा ग्रामोफोन ही बिक गया तो डांस का। बट वेन आई ग्रू अप एंड वेंट टू कॉलेज एंड देन आई डिस्कवर्ड माइकल जैक्सन, तो वो जो पूरा इतने साल जो मर चुका था 12-13 साल, वो सडनली एक आया कि माइकल जैक्सन ये मेरे को यार ये तो मेरा पैशन है। एंड देन अगेन आई स्टार्टेड वॉचिंग, मेरे वाई नेहरू नगर में एक हमारे सप्रू अंकल थे, ही वॉज अ बिग कैरेक्टर आर्टिस्ट ना, हर पिक्चर में जज बनते थे वो बिलर्ड वैसे आवाज में। तो उनका उनके उनकी फैमिली हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी, वो तेज सप्रू एंड ऑल यू तेज सप्रू, हाँ, तो हिज डैड। सो तेज सप्रू हैड अ ब्रदर राजू, उससे वीडियो पहली बार वीडियो कैसेट लाया था और थ्रिलर का, तो वो घर दिया था मैंने, वो उसके घर पे जाके थ्रिलर देख देख कर पूरे रिक्शा में ये स्टेप कॉपी कर करके आई टू डू। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।